तो योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज दिस इज पार्ट 6। यहाँ पर एक्स वाई मल्टीपल में गिवन है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दैट अगर एक्स वाई हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई का मल्टीपल जो है उससे पूरी जो हमारे पास इक्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन। इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2। इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एक्स एंड वाई, राइट। सो यहाँ पर क्योंकि हम एक्स और वाई से डिवाइड कर रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशन कि इसमें एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0, और इनका प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल नहीं है। बिकॉज अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये कंडीशन यहाँ मान के चलते हैं। अब हम एक्स वाई से इसको डिवाइड करते हैं, सो दिस विल बी 6 एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई। सो यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, इसी तरह से वाई से वाई कट जाएगा, राइट। सो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाय वाई, राइट, प्लस 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन में भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे, सो 2y प्लस 4 बाय एक्स दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जनरेट हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4 जनरेट हो गई। सो वी आर हैविंग 4 इक्वेशंस राइट नाउ। नाउ इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई दो डिफरेंट वेरिएबल गिवन हैं, आ गए हैं हमारे पास। तो इसको हम यू और वी में कन्वर्ट कर लेंगे। टेकिंग 1 बाय एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाय वाई इज इक्वल टू वी, द इक्वेशंस बिकम, इक्वेशन क्या बन जाएंगी कि 6 1 बाय वाई इज वी प्लस 3 यू दैट इज इक्वल टू 6। अनदर इक्वेशन क्या है, 2 वी प्लस 4 यू दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 जनरेट हो गई। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशंस में से हमारे पास अगर हम किसी पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो यानी कि अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पोर्शन बराबर हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय 3। सो दिस विल बी 6v प्लस 12u दैट इज इक्वल टू 15। ये हो गया हमारे पास 7 नंबर इक्वेशन। नाउ इन वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू वी कैन सब्ट्रैक्ट। नाउ इक्वेशन नंबर 6 को हमने मल्टीप्लाई किया था तो हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5, ठीक है। सो 5 को हम पहले लिखेंगे 6v प्लस 3u एंड 6। अब 7th इक्वेशन लिखेंगे 6v प्लस 12u दैट इज इक्वल टू 15। अब ये क्योंकि साइन कॉमन है तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया था।
अब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ बचा 9 यू विद नेगेटिव साइन, दैट इज इक्वल टू 15 में से 6 गया 9 विद नेगेटिव, तो यू की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 9 बाय माइनस 9, दैट लीड्स टू 1। सो यू की वैल्यू यहाँ पर 1 जनरेट हो गई। अब यू की वैल्यू 1 जनरेट हो गई और हमें वी की वैल्यू निकालनी है, तो पुटिंग यू इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन से सेवन्थ में रख लेते हैं, हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो 6 यू वी प्लस 12 इंटू 1 15, ठीक है। सो 6 वी दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 12 एंड वी इज इक्वल टू 15 में से 12 गया 3 और ये 6 इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा, सो दैट इम्प्लाइज v की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन से दैट u इज इक्वल टू 1 और यहाँ v इज इक्वल टू 1/2 है, तो u हमने किसके इक्वल माना था यहाँ पर, दैट इज 1/x, ठीक है। सो यहाँ लिख सकते हैं 1/x दैट इज इक्वल टू 1 और v किसके इक्वल माना था, दैट इज 1/y, सो 1/y दैट इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पर x की वैल्यू 1 जनरेट हुई और यहाँ पर y की वैल्यू 2 जनरेट हुई एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू लाइक द सॉल्यूशन एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।